उपमंडल बल के ग्राम पंचायत मांडल में एक हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला बिंद्रा देवी आयु लगभग 50 वर्ष, पत्नी कृष्ण चंद्र की हत्या उसके पति द्वारा की गई है। मामला बीती रात का है। पिछली रात को दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। पति पत्नी को आए दिन पीटता रहता था, जिस कारण उसकी मौत हो गई। सुबह जब बिंद्रा देवी नहीं उठी तो आसपास के लोगों ने ग्राम पंचायत प्रधान व अन्य लोगों को सूचित किया। प्रधान सुरेंद्र ने कहा कि जैसे ही मैं पहुंचा तो देखा कि बिंद्रा देवी की मौत हो चुकी है, जिस पर बल पुलिस थाना में सूचित किया गया। पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गया तथा आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। SP मंडी प्रोबेशनरी IPS ऑफिसर इल्मा अफरोज, DSP अनिल भाटिया भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का जायजा करके शालिनी अग्निहोत्री द्वारा फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर कुछ साक्ष्यों को इकट्ठा किया। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए ले जाया गया। SP शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि हम हर पहलू को मामले की जांच कर रहे हैं और DSP बल अनिल पटियाल तथा प्रोबेशनरी IPS ऑफिसर इल्मा अफरोज इस मामले को देख रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अब ये इन्हें सवेरे जब जिम जो फोन किया, इन्हें बोले डा भाई ये जो 18 ये बंदा आया और ये सरा बहू आया और इन्हें ऐसे धूमने कोटे भाई तेरी बुआ जो है मार तेरी जान नहीं दी। जी हाँ, जब मैं सुने और मेरा मीटर एकदम खुल घूमी गया। जब मैं गड्डी मोड़ी मेला आई गया, मैं अद्ध पौने घंटे पहुंची आई के। मैं उप प्रधान सुरेंद्र कुमार, ग्राम पंचायत मंडल। आज हमारे गांव के वार्ड नंबर 5 में एक व्यक्ति द्वारा अपनी महिला को जो है पीट पीट के मार डाला है, और जिसके बारे में उसके जो पड़ोसी हैं और उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने मेरे को जो है इसके बारे में सूचना दी। और जब यहाँ आए तो वो चीज़ मर चुकी थी, और उसके बाद जो हमने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस टाइम पे आ गई और जो अब इसकी जो छानबीन चली हुई है। मैं ये कहता हूँ कि इनका जो आए दिन ऐसे ही चला रहता था, झगड़ा शराब पीते थे दोनों पति पत्नी, और समझाने के उपरांत समझते नहीं थे, तो जिस कारण झगड़े इनके बढ़ते रहते थे और वो झगड़े जो है मर्डर तक जो है पहुँच गए।